प्रभु एक एक वृत्ति देखते हैं अपने उपासकों की। एक प्रसंग भक्त माल में आता है, क्या उन भक्त का नाम था जिन्होंने दावात बेच करके मार्किंग का थान भेजा था श्री नाथ जी को, तो स्मरण में इस समय याद नहीं आ रहा। वो हर वर्ष बड़े कीमती कीमती रत्नों से जड़ करके एक दगला भेजते थे सर्दी का श्रीनाथ जी के लिए। श्रीनाथ जी महाराज धारण करते थे, समय का चक्र बदला, धीरे धीरे सब ईश्वर अपहरण हो गया। प्रभु कृपा करते हैं, इसे कृपा समझो। जब केवल केवल प्रभु प्रेम ही रह जाए आपके पास, बड़े बड़े महान भक्तों के जीवन में ऐसी लीला होती है, उनका नाम हृदय में है पर वाणी में नहीं आ रहा। त्रिपुरदास, क्या नाम? त्रिपुरदास का है, त्रिपुरदास, त्रिपुरदास। प्रभु का नाम तो भले याद आ जाए, लेकिन जब तक भक्त कृपा न करे तो उनकी ही स्मृति। बहुत ही भाव से उस श्रीनाथ जी की सेवा में बैठते थे और उनका हर वर्ष का भाव था। जब समय बदलता है तो विविध प्रकार के विघ्न आ जाते हैं। राज परिकर के द्वारा ऐसा कुछ हुआ, सब अपहरण हो गया, सब संपत्ति ले गए वो लोग। आचार्य परिकर जाते थे उनके यहां सेवा लेने, तो उनको सकुच लगी कि ऐसी स्थिति में क्या जाए। हृदय में उनके बहुत दुख हुआ कि प्रभु को हर वर्ष सेवा भेजते थे पोशाक की, कुछ नहीं रहेगा। पूरे घर में ढूंढा तो जहां राजकर्मचारियों की नजर नहीं पड़ी थी, वहां एक स्थान में स्वर्ण की दावत रखी हुई थी। चलो इससे काम बन जाएगा, बेचा। वो ऐसा महंगा तो बनवा ही नहीं सकते थे, उसे मार्किन का थान मिला। तो ऐसे ही लाल रंग से रंग के और भिजवा दिया। जब वहां सेवकों ने देखा मार्किन, अब श्रीअंग में जहां रत्न आभूषणों से सुसज्जित पोशाक, वहां मार्किन क्या? पर किसी भगत ने भेजा है तो बिछाकर उसके ऊपर अच्छी अच्छी पोशाक रखने का सेवा काम ले लिया। दूसरे दिन जब पोशाक आचार्य चरण धारण करवा रहे थे तो ठाकुर जी कांपने लगे, अंगीठी भी है, सुंदर सुंदर पोशाक भी है, पर कांप क्यों रहे? और गर्म पोशाक लाओ, और गर्म पोशाक धारण कर। फिर भी उनके शरीर में कंप हो रहा है। थोड़ी देर विचार करते हैं, उनका कोई भक्त ने कोई वस्त्र पोशाक आभूषण भेजा है क्या? देखो रजिस्टर में किसी की ऐसी सेवा जो प्रतिवर्ष होती हो, आई हो और सरकार स्वीकार श्रीअंग में करना चाहते हो। बोले सबकी पोशाक तो धारण हो गई, पर त्रिपुरदास जी ने इस बार पोशाक नहीं, उनके पास शायद व्यवस्था ही नहीं थी तो थान भेजा है मार्ग। उनकी तो स्वयं के सेवक होते थे जो सिलकर पोशाक धारण कर तुरंत तुरंत ऐसा कर, और जहां उस वस्त्र की पोशाक, ठाकुर जी मुस्कुरा दिए, बड़ी बड़ी महंगी कीमती और स्वर्ण रत्नों से जटित पोशाक पसंद नहीं आई, बड़े लीला बिहारी है। ये धामाम प्रपद्यन्ते तास्तते भजा में एक ही आपकी वृत्ति देख रहे हैं। आप ऐसा मत सोच रहा कि प्रभु आपकी सुनते नहीं, आपके देख हम उस समय से यही देख रहे हैं। आपको विग्रह दिखाई देता होगा, आपको लगता है साक्षात प्रिया प्रीतम आपकी एक एक बात सुन रहे हैं। जिस दिन आप भाव से होगे ना तो आपको उत्तर मिलने लगेगा, आपको दिखाई देने लगेगा। प्रभु अपने जन से कितना प्यार करते हैं ये तो वही जान सकता है जिसने हृदय को समर्पित कर दिया। ये ज्ञान विज्ञान सब यहाँ बाहर डेहरी के बाहर रहता है, ये प्रेम समुद्र है। कितना प्रभु प्यार करते हैं अपने जनों को, अगर एक बार तुम्हारे हृदय में स्फुरित हो गया, जान गए, तो तुम रोते ही रहोगे जीवन भर। इनके प्रेम में विकल और विवल बन, प्रेम समुद्र है,
प्रेम समुद्र है, हम बाजी जीत गए क्योंकि हमारी जो अंदर की पुकार है वो सुन रहे हैं, अब हम जीत गए। जब तक हमें ये पता नहीं चलता कि हमारी बात पहुंचती है कि नहीं, तब तक तो यदि तो सुन रहे वो किसी भी दिशा में कहीं से बोलो उनकी श्रवणेंद्री वहां से भी सुन रही है, सब जगह उनकी श्रवणेंद्री है, पर हमें विश्वास हो जाए तो देखो प्रभु विश्वास सत्य कहते हैं। यही सजनी जो आई पहले उस सखी स्फुरित हुई हो और उसके आंसू भरे हुए हो कि हमारी ये सेवा तो आज नहीं तो कल धारण करवा, नदी का करती ढूंढते हैं तो मिली क्या, क्यों सखी की बात को स्वीकार कर देखो कित सजनी लाओ लाओ धारण, तुम भूल रहे हो रखियो लाओ तुमसे मुझे धारण, कितना प्यार करते हैं सच्ची सच्ची। बस अपने हृदय को इनके चरणों में समर्पित, कुछ नहीं करना है, बड़े मस्त रहना। जब सुबह लोग प्रश्न करते हैं रोना धोना ये, अरे कुछ जरूरत नहीं, अब रोने धोने की जरूरत नहीं, अब तो प्रेम अश्रु प्रवाहित हो वो बात अलग है। इतने बड़े मालिक, इतने बड़े हमारे रक्षक, इतने बड़े आनंददाता, वो कोई शर्त नहीं, अगर कोई शर्त हो तो भी रोना धोना हो, कोई शर्त नहीं, तुम जैसे हो वैसे हमारी प्यारियों के लायक हो, पर अपने को प्यारियों को मान लो, प्यारियों के समर्पण में ऐसे जरा सा भाव करोगे ना तो घसीट लेंगे आपको, देख लेना बिल्कुल। ये सब बंद करो, ये जो अंदर अंदर आपके बड़े प्रश्न, बड़ी उलझने, बड़ी समस्याएं हैं, कब तक बोझा ढोते रहोगे, दर्द हो ऐसे। महाराज युगल सरकार आज से हम निश्चिंत है, अरे हमें नरक जाना पड़ेगा, हमारे शरीर में भयानक रोग हो जाएंगे, लोग हमारी निंदा करेंगे, अन्य योनियों में जाना पड़ेगा, कोई परेशानी की बात नहीं, हम राजी, जोई जोई प्यारो करे सोई मन भावे, अब तो परेशानी क्या है, भूखे रखोगे, अपमानित करोगे, उपहास करवाओगे, दुर्गति करवाओगे, हम पहले दस्तक कर रहे हैं, हाँ जी हम राजी, कोई समस्या नहीं। अच्छा ये सब करेंगे, ये जानते हो ये अपनी महिमा को देखते हैं, अरे कोई भी जो धर्मात्मा होता है जब उसके दरवाजे पे कोई चला जाता है तो वो उसको नहीं देखता, वो अपने को देखता है कि अब हमारी इज्जत की बात है या हमारे दरवाजे पे है, ये तो साधारण बात कह रहे, ये तो असाधारण कृपा सिंधु है, अति उदार विभिषण, तुम्हें विश्वास क्यों नहीं होता इनके ऊपर, इनकी शरणागति पर तुम निर्भय क्यों नहीं हो रहे, निश्चिंत क्यों नहीं हो रहे, क्यों इतने प्रश्न अंदर बने हैं। भगवत लीला सुनने के लिए तो प्रश्न सही है लेकिन समस्या में फंसे हुए हो मुझे अच्छा नहीं लगता, शरणागत होकर कौन सी समस्या है। एक प्रश्न करते हैं कि मुझे पता ये नहीं करना चाहिए फिर भी हम करते हैं, देखो उसमें बल की कमी है, हमारे पास आध्यात्मिक बल नहीं है, ऐसे हो गए जवान से बोलते रहो राधा राधा राधा, तो इसी का जब बल हृदय में उदय होगा तो तुम्हें देख के दूसरा बलवान हो जाएगा, सतरति सतरति लोकांतरति, अब नाम जप न करो, श्री जी का चिंतन न करो, श्री जी के चरणों का आश्रय बल न रखो, तब तो माया तो घसीट ही लेगी। आप अगर जा भी रहे हो माया के प्रवाह में तो राधा राधा बोल के जाओ ना, क्या परेशानी है, राधा 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 राधा, तो जिधर जा रहे होगा उधर माया नहीं रहेगी, उधर निकुंज रहेगा, जिधर भी जाओगे उधर दसो दिशाएं उसके लिए मंगलमय, भाव को भाव अनखाल सहु नाम जपत मंगल सिद्ध सौ, क्यों परेशान हो रहे हो, मैं कुछ सुधर नहीं पा रहा हूं, हम बिगड़े बिगड़ाए अर्पित हैं। कई बार सत्संग में कहा है हमारा खंडहर टूटा फूटा घर है, हे श्री जी हे आचार्य जी आपके नाम करते हैं, वैसे है तो उली का बेईमानी से हमने अपना मान लिया, पर चलो बेईमानी का सुधार कर रहे आपके, अब उस घर की खिड़की टूटी है, उस घर की दीवार का पलस्तर टूट गया है, उसमें जाला लगा है, दस पांच छिपके लिए हजार दो हजार मच्छर है, सब आपके नाम है, हुआ ना जब घर दे दिया तो मच्छर भी तो उली के नाम हो गए, छिपकली भी नाम हो गई, जाला भी, ऐसे ही काम क्रोध लोग सब मच्छर है बुलबुलाते रहते हैं,
है, वासना की बड़ी बड़ी छिपकलियां चिपकी हुई है, जब ऐसे हुए तो सब उनके नाम हो गए। देखो अब आप देखो, वो दवाई डालो जिससे मच्छर भाग जाए, वो कार्य करो जिससे छिपकली हट जाए, राजी हो तो इसी के साथ रहोगे, कोई परेशानी नहीं, आपको दे दे, बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। जब तक तुम चिंता करोगे तब तक समस्या ही समस्या है, और जिस दिन तुम चिंता ऐसे छोड़ दोगे उसी दिन तुम निर्भय निश्चिंत निश्चोक आनंद मगन हो जाओगे। मान लो विश्वास, जब तक ये लगाओगे दिमाग तब तक परेशान रहोगे। बहुत छोटा दिमाग है, छोटा सा, बहुत बड़ा साम्राज्य है, कितना लगाओगे? भगवान शेष जी 2000 जी व्यासे गुण महिमा का वर्णन करते करते अनंत काल तक करते ही रहेंगे, पर कभी पार नहीं पाए 2000 जिव्या से। हमारे आपकी क्या सामर्थ्य है ऐसे महिमा में हमारे प्रभु, अब क्या चिंता, क्यों चिंता करते हो, क्यों चिंता करते हो? चाहे जैसी परिस्थिति हो, संतुष्ट है इनके इनवा, इनका भरोसा, बड़े कृपालु, बड़े कृपालु, मान लो। जब तक ये आप मानोगे नहीं तब तक बात बनेगी नहीं। हम देखते हैं कि उपासक विचलित है, परेशान है। अरे क्यों विचलित हो? वह भजन नहीं बोलो ना, राधा 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 बन रहा है भजन। अरे हमसे क्या मतलब कि उपांशु इतना फल मानसिक, इतना हमें फल भूल चाहिए नहीं, राधा 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 मन नहीं लग रहा, हम जोर से सुनो राधा 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 भजन। चतुराशि जी का कुछ नहीं है, एक किशोरी जो माप के सहारे हो गए भजन। अरे समझो, जब हम कह रहे तुम्हें क्या परेशानी, और देश के बसत ही अधिक भजन जो होए, ये समतो पूजत लही वृंदावन रहे सोए। राधा राधा जब सोने जा रहे हो, राधा राधा गोरे चरणारविंद में मन लगाओ, सो गए। जब उठे, जब वाणी खुली, तो सबसे पहले राधा राधा राधा, तो जितना सोए वो सब भजन हो गया। मानो ना, तो आनंद पूर्वक श्री जी के पास ही जाओगे, भरोसा श्री जी का, आश्रय श्री जी का। ये कब तक अंदर झंझट लड़ाई झगड़ा सब बनाए रखोगे? तुमसे ये हारने वाले नहीं, ये ऐसे सुवट है, थोड़ी देर के लिए चुप बैठ जाएंगे तो आपको लगेगा हार गया, और आप जहां ऐसे के तो उठा पटेंगे। ये ऐसे बलवान है, ये कब हार जाते हैं? जब इधर मुख होगा और इधर चिंतन होगा, इधर भरोसा होगा, तो जा सुकृपा सब भ्रम मिट जाए, खत्म थे। इनके भरोसे रहो, इनके आश्रित रहो, कोई तुम्हें श्री जी से अलग नहीं कर पाएगा। कोई भी विकार, कोई भी घटना, कोई भी परिस्थिति, तुम ऐसे भाव बनाओ श्री जी के प्रति, श्री जी के पास ही चलोगे, हम नहीं सुधर पाएंगे, बिगड़ेल है। अरे हम क्या आचार्य चरण कह रहे हैं श्री हरदास जी महाराज, हम सोना बिगारन को और तो सोना सवारन को, तो मोई पड़ी होल, कौन धो जीते कौन धो हारे, कर बदी न तोड़, तुम्हारी माया बाजी पसारी, विचित्र सुन मुनि मोहे काकी गोल, कह हरिदास तुम हारे हम जीते तऊ ना तोड़। हे नाथ, हे प्रभु, आप बनाते बनाते हार गए और मैं बिगाड़ते बिगाड़ते जीत गया, हमारी तुम्हारी होड़ लगी हुई है, पर फिर भी बदी न तोड़, आप ऐसे ही कृपाल हुए कि यद्यपि आप हार रहे हैं पर आप निराश नहीं हो रहे, हमें बनाने और संवारने में आप लगे ही हैं, तो प्रभु बता दे इसमें विशेष गलती हमारी भी नहीं है। तुम्हारी माया बाजी पसारी विचित्र सुन मुनि मोहे काकी कोट, किसकी गोद में बैठकर आपका विस्मरण सब कर रहे, माया की, तो आप अपनी माया को थोड़ा कड़ी नजर से डांट दीजिए, और आप हारना नहीं है, जब हार चुके हो पर हारना नहीं, हमारे संवारने में लगे रहना, एक दिन हम आपके योगी बनी जाएंगे आपके संवारने से, वो हमारा भाव कह रहे हैं। अगर हम कुछ करेंगे तो बिगाड़ ही लेंगे, इसलिए हम ऐसे ही रहे। श्री हरिवंश, बिल्कुल विश्वास वाले, आप आनंदित हो जाइए। ये क्यों बोझा ढो रहे हैं? हम जब देखते तो लगता है बेचारा कितना दबा है प्रपंच के बोझे में, कहीं कुछ नहीं है, वो चिंतन में मार अपने को जलाए डाल रहा है, चिंतन ये चिंतन ये चिंतन ये, और कह रहा है
भजन नहीं हो रहा। अरे इसी से तो भजन होता है, जिसे तुम चिंतन करके संसार से दुखी हो रहे, इसी से तो भजन होता है। आप छोड़ दो, अब सौंप दिया सब भार तुम्हें, फिर मारो या तारो कहे हम क्या। राधा राधा राधा, कितना आनंद है आप समझ ले पा रहे हो? समझ जाइए अभी आनंदित हो। इनको कोई भी गुण रिझा नहीं सकता, और इनकी शरणागति में कोई भी अवगुण आपको हटा नहीं सकता। मान लो प्रारंभ में जब मुरारी शरण से बात हुई तो यही कहा था, कोई भी सृष्टि में तप या ऐसा सदगुण नहीं कि इनको अधीन कर सके, कोई भी ऐसा दुर्गुण नहीं जो इनकी प्राप्ति में बाधा डाल सके। आपका भाव दृढ़ हो, आपके मिलने की चाह चाव हो, तो आप कैसी भी परिस्थिति में वो ये हृदय से लगा लेंगे। इतने कृपालु ये नहीं देखते, जन अवगुण प्रभु मान न काओ, नहीं देखते, मान लो ना, ये नहीं देखते। ये सब इतिहास और शास्त्र और भगवत भक्तों के चरित्र ऐसे नहीं लिखे, वो हमारे विश्वास के लिए लिखे हैं कि एक है तो इतना बड़ा चोर है, एक है इतना बड़ा हिंसक है, एक है इतना बड़ा व्यभिचारी है, इतना बड़ा ब्रह्मद्रोही है, पापात्मा है। पर वो प्रभु की शरण में आके प्रभु का आश्रय ले लिया तो कोई ब्रह्म ऋषि बन गया, कोई बिल्व मंगलाचार्य बन गया, बड़े बड़े पदवियां प्राप्त हो गई। भागवती भैया, हम लोग जैसे भी हैं अपनी प्यारी जी के हैं, हमें दूसरे से कोई सपोर्ट नहीं लेना, कोई सही का निशान नहीं लगवाना, हम गलत हैं, गंदे हैं, पर आपके हैं। अब बोलो क्या चिंता तुम्हारी? स्वीकार करने वाले कह रहे हैं आ जाओ, जैसे हो आ जाओ, मैं गले लगा ले। हम कह रहे हैं हम बहुत बदबूदार हैं, गंदे, हम नहीं आएंगे। आप उधर बढ़ो तो आपकी बदबू अपने आप खत्म हो जाएगी, इतने उनके श्रीअंग से सौरभ निकलता है, आप सुवासित हो जाए। आप आगे बढ़ो, जब तक इनसे मिलने की चाह नहीं होगी तब तक सारी गंदगी आपके छुड़ाए भी नहीं छूटने वाली, क्योंकि गंदगी का प्रधान क्षेत्र अहम है। आप जो भी करोगे उसमें पुष्टता होगी, और जब इधर चलोगे ना तो सब अपने आप ठीक हो जाएगा, सब भ्रम नष्ट हो जाएगा। हम जैसे श्री जी के लायक हैं आप समझ लीजिए, हम जैसे गुण के विधान से लायक नहीं है, हम जितने भी अवगुणी हैं फिर भी हमारी श्री जी हमें स्वीकार करेंगे। श्री जी ने स्वीकार कर लिया है, आप विश्वास रखो, भाव से चुपचाप जितना बने राधा राधा बोलो, निरंतर के लिए तैयार रहो, भजन के लिए। नहीं हो रहा तो परेशान मत हो, इतना तो अंदर चलेगा ही यदि आप आश्रित हो कि लाडली जी देख लो भजन नहीं हो रहा है, हमारा मन विषयों में जा रहा है, श्री जी आप संभालो, ये भजन ही तो हो रहा है। वृत्ति का प्रभु से बार बार संबंध होना, बार बार स्मृति में आना, बार बार उनके विषय में सोचना, इसी को तो भजन कहते हैं, याद, स्मृति, उनका सुमिरन। देख लो प्रभु हमसे मंत्र नहीं जपा जा रहा, नाम जपाने जा रहा, कितना प्रपंच सता रहा है, कितना हमें आकर्षण, देखो ना प्रभु। अगर आप आश्रित होते चलेगा अंदर, देख लो आप प्रभु से कभी नाराज भी हो गए, इतने सामर्थ्यशाली हो, आप ऐसा भी तो कर सकते हो कि ऐसा ना हो कभी उनकी करुणा आएगी तो उनके सामने रो दोगे। यही भक्ति आगे बढ़ती चली जाएगी, प्रेम लक्षणा भक्ति। अन्य आश्रय नहीं, अन्य की तरफ नहीं देखना, अन्य से सहयोग नहीं मांगना। अगर किसी से आप सहयोग मांगोगे ना तो वो और आपको गंदा ही कर देगा, उसके विचार, उसकी बुद्धि, उसका भाव, आपके हृदय में जो एकदम दैन्यता आने जा रही थी कि कोई मेरा नहीं, कोई सहयोगी नहीं, उसमें वो आ गया, हमारे लिए बहुत खतरा हो गया। हमें तो केवल इनको रखना था, दूसरे किसी का सहयोग नहीं। हरि गुरु चरण सेवा अनुसरो केवल आपसे, ये जो हम बार बार बोलते हैं ना रोज, बस केवल समझने के लिए बोलते हैं। तुम कुछ करने लायक होने कुछ कर सकते हैं, चुपचाप बैठे रहो, राधा राधा बोलते रहो, सुनते रहो, इतने से श्री जी मिल जाएंगे। ज्यादा अंदर चिंतन बिगाड़ोगे तो ये भी भाव छूट जाएगा। आश्रय में बहुत सुख है, जैसे भक्ति की चरम अवस्था की शरणागति की जब बात होती है तो भागवत में उदाहरण दिया जाता है कि जैसे अभी पंछी के बच्चे के पंख नहीं उड़े, अजात पक्ष इव मातरम खगा, उसके लिए क्या कर्तव्य है? उस पंछी के बच्चे के जो घोंसला में वही प्रकट हुआ है अंडे से,
अभी वो बाहर निकला भी नहीं, निकलने की सामर्थ्य भी नहीं कि पंखे से अपने उड़कर बाहर चला जाए। वो घोंसले में बैठा है, चे चे कर रहा है, बल राधा राधा राधा। हमारा चे चे क्या है? राधा यशो मुखरबत अगावली, राधा राधा जो जो प्यारो करे। इसे तुम साधारण मत समझना, ये जो गाल होता है वो अपने आप चिड़िया के माता पिता बच्चे के आते उसके मुंह में दाना पानी सब डाल देते हैं। ये हमें प्रेम और जो जो ज्ञान विज्ञान भक्ति जो जो सभी डाल जाएंगे आपके हृदय में, विश्वास बैठ गया। अजात पक्षायु मातरम करा, ये है शुद्ध शरणागति का स्वरूप। जिसे कहते कुछ नहीं करना है, अब आपका करने का राग है तो आप करके देख लो, जब हार जाओगे तो कुछ ना करने का मतलब ये नहीं कि आपको वाणी ये नाम या सेवा ये हमारा करना थोड़ी है, तो हमारा जीना है, ये हमारा जीवन है। जैसे हम अन्न के बिना प्राण नहीं रख पाएंगे, जल के बिना प्राण नहीं रख पाएंगे, वायु के बिना प्राण नहीं रख पाएंगे, ऐसे हम नाम के बिना वाणी के बिना सेवा के बिना हम नहीं जी सकते। ये हमारा जीवन है, ये हमारी साधना नहीं, ये हमारा जीवन है। बस यही जीवन निकुंज में पहुंचा देता है। इसी ऐसे स्वीकार कर रहा है कि जैसे हम श्वास के बिना जी नहीं सकते, ऐसे हम नाम के बिना जी नहीं सकते, जैसे हम अन्न के बिना नहीं जी सकते, ऐसे सेवा के बिना नहीं जी सकते, जैसे हम जल के बिना नहीं जी सकते, ऐसे हम लीला गायन और श्रवण के बिना नहीं जी सकते। ये बस हमारा आहार हो जाए और शरणागति से हो जाएगा, धीरे धीरे आपके हृदय की ऐसी गति हो जाएगी, कुछ सुनना अच्छा नहीं लगेगा, कुछ बोलना अच्छा, वो स्थिति आ जाती। शरणागत को कुछ नहीं करना कर पड़ता, प्रभु सब करा लेते। जो भी साधना जो भी उपासना जैसे आप लोग हो, यदि भाव से देखो तो आपसे प्रभु करा रहे हैं। वाणी पाठ नाम जप सेवा धाम वास ये सब प्रभु करा रहे हैं, आप कहीं नहीं हो इसमें। देख लो अंदर से आप नहीं हो, और जहां आप हो वही आपको परेशानी है। देख लो जहां आप हो वही परेशानी है, और जहां आप है वही परमानंद है। काहे को परेशानी लेते हो? आपको आप में मिला दो, आपको आपको दे दो, आपको आपको दे दो, बस निश्चिंत हो गए। किसी के वचन तो मान लो, प्रभु कह रहे बार बार फिर हम कह रहे केवल मेरी शरण में तुम हो जाओ, अहम त्वम सर्व पापी प्रभु मोक्ष श्यामी मा सुचा। स्वामी कह रहे जगत के मालिक कह रहे मैं तुम्हें पवित्र कर दूंगा। लाडली जी का ऐसा स्वभाव, लाडली जी का जैसा दुलार, ये अब क्यों चिंता? ये जब क्यों में प्रश्न होते हैं ना तो लगता है कैसे शरणागत हो, अभी तुम क्यों में ही फंसे हुए हो। अरे ऐसे बढ़ाए चलो, जब आपको कोई पीड़ा पहुंचा रहा है, कोई निंदा कर रहा है, कोई अपमान कर रहा है, तो सच्चे मानिए श्री जी की बहुत कृपा हो रही, हम सह नहीं पाते अहंकार के कारण, बहुत कृपा हो रही। अब शुरू हुआ है श्री जी की सेवा के योग्य हमें बनाने के लिए, अब शुरू हो गया कार्य। जब अपमान होने लगे, प्रतिकूलता आने लगे, निंदा मिलने लगे, ऐसा लगे परिस्थिति बिगड़ती ही चली जा रही, अब आपको बनाना शुरू कर दिया है उस पूरे सिस्टम ने, अब आप श्री जी के योग्य बनना। अब उस समय घबरा जाता है कि जब से आपके शरणागत हुए, प्रश्न हुआ जब से आपके शरणागत हुए अब क्या बताएं महाराज, रोष के तो कौन कौन से रोग गिना दिए हमें तो याद भी नहीं। बोले इतनी परेशानियां आ गई, उनका बड़ी कृपा हो गई, बड़ी कृपा हो गई। जिस शरीर में राग, जिस संसार में राग, जिन भोगों में राग करते थे, प्रभु उस भ्रम को हटा रहे हैं, प्रभु उस राग को हटा रहे हैं। शरणागत होना, लेकिन हमारी शरणागति होती है इस बात के लिए कि हमारा शरीर, हमारे विषय सुख, हमारे सगे संबंधी ये सब हमारे अनुकूल बने रहे। महाराज आपकी जय हो, हम आपको भोग लगा दिया करेंगे। वो भूखो नहीं रह रहे तुम्हारे, केवल भोगते हो भूखे रहे, भाव के इतना भाव के वो भूखे पूछो, हम तो देख देख के मतलब परेशान थे, ये लीला देख के परे, तुम्हें तो एक छोटी सी बात लग रही है, उतनी देर से अंदर से बलियारी आपकी करुणा की, बलियारी आपकी करुणा की। कसक में पहले बैठे यही तो चाह रही थी बार बार। अरे आप थोड़ा भी भाव करोगे, जब ये वस्तु जड़ है नत प्रगट में, अब तो चैतन्य स्वरूप हो गए इस पर से सहचरी बपू है वो, पर आपका भाव जो है देखो
तो अगर आप अपने को समर्पित कर दो तो ये आपको हम नहीं लेंगे क्या? हम अपने को बचाए रखना चाहते हैं, इसीलिए समस्या है। नहीं, आप जीव ही हृदय से, सच्चे हृदय से, तो आप फिर देखेंगे कि जैसे करुणामयी माँ अपने बच्चे की कलाई पकड़ के चलती है, बाजार में घुमाती, पर पकड़े वही है। ऐसे संसार बाजार में आप देखोगे तो करुणा समुद्र की करुणा हमें पकड़े हुए है, कहीं गिरने नहीं दे रही। जैसे बहुत बड़े बादशाह का इकलौता राजकुमार, ऐसे आप है, आपको ऐसे प्यार कर रहे, इसलिए आप जान नहीं पा रहे, इसलिए फुटपाथ पे भीख मांगते दूसरे। सच्ची बारो, आप इतने बड़े बादशाह के अकेले राजकुमार हैं। प्रियाजू का प्यार बढ़ता नहीं, अजस्त्र प्रेम धारा है। आपकी प्रियाजू अलग है, हमारी प्रियाजू अलग है, सबकी अलग अलग प्रियाजू। कैसे? आपके भाव में प्रियाजू आपको प्यार करती है, आप भाव से प्रियाजू को जब अर्पित करते हैं वो आप पर्सनल प्रियाजू है। किसी को भी ऐसा बात नहीं होता कि सबकी प्रियाजू, हमारी प्रियाजू हमारे पास है, आपकी प्रियाजू आपके पास है। भाव से देखो ना, अभी हम इधर जाएंगे तो हमारे साथ रहेंगे ना, आप इधर आपके पास रहेंगे ना, जितने सबकी प्रियाजू अलग अलग है। सबके सुख के लिए प्रियाजू ऐसा प्यार देती है कि आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि दूसरा कोई और है, आपको ये लगेगा बस मैं और प्रियाजू। और जब ऐसा लगने लगेगा तो मैं खो जाएगा, केवल प्रियाजू रह जाएगी, केवल प्रियाजू। ऐसा थोड़ी होता है कि बड़ी भीड़ लगी हुई है, अब वहां उचक रहे हैं, दर्शन नहीं हो रहे हैं, सेवा नहीं, ऐसा नहीं। यही ये पार्थिव देश है और चिदानंद देश है, आप और प्रियाजू। ये हम आपको बता रहे हैं, उस समय आप भी नहीं होंगे, केवल प्रियालाल, केवल कौन सरिया ले नजर आता, केवल प्रियालाल। आप खूब आनंद से एकांत में सेवा सुख हास्य विनोद परिहास, ये तो यहां वर्णन किया जाता है कि इतनी सहचर्या, वह किसी को बाल थोड़ी होता है, वहां तो केवल प्रियालाल। अब वो स्थिति जब पहुंचेगी तभी तो आप समझोगे। किसी को ऐसा नहीं लगता कि काश अगर एक मिनट एकांत मिलते तो श्री जी से मन की बात कर लेते, ऐसा नहीं। हर क्षण श्री जी के समीप, और बिल्कुल ऐसा अनुभव कि आप और श्री जी केवल, बस आप और प्रियालाल, खूब दुला अपने प्रियालाल, साथ को साथ सेवा, साथ को साथ सर्वस्व प्रेम अधिकार, करुणा कर उदार, राखत कर सुनसार। मानसिक बुद्धि से सोचने लगे ना, अनंत सहचरिया है। और ये बड़ी बड़ी महारानी की जो सहचरिया ललिता विजय, हमारी पहुंच कहां होगी? कोसों दूर खड़े होंगे, चल नए नए निकुंज में पीछे खड़े, मतलब कहां? ऐसा नहीं जैसे अभी कभी ऐसा, यहां तो भान हो रहा है ना कि ये सब है, वहां ये भान भी नहीं रहता। ऐसा प्रेम समुद्र मरता केवल लाड लीला, मैं भी हूं इसका भान में, केवल प्यार में पगी हुई वहां दूसरिया, पूरे निकुंज में एक मन है। अब आप तो पूरे निकुंज में एक मन है। कहने को आता है कि सबके मन होंगे, एक मन है, यह हम बात कह रहे हैं। जैसे नवल विलास नवल नवला करे, मन मन की रुचि जान नेह विधि अनुसार। तो ऐसा थोड़े कि हम अपने मन से सोच रहे हैं, प्रियाजू का मन हमारा मन, हमारा मन प्रियाजू का, ऐसा हमारा और प्रियाजू का ही नहीं, संपूर्ण वृंदावन वैभव एक मन केवल छाया हुआ है, दूसरा नहीं। सब में वही मन स्थिर हो रहा, सब में वही। अरे जब तक उस रस में प्रवेश नहीं होगा तब तक समझ में थोड़ी आएगी, यहां बुद्धि से थोड़ी समझ में आएगी। प्रियाजू के मन की बात जानना किसी के भी मन में सामर्थ्य नहीं, वो केवल प्रियाजू का ही मन जानता है। तो सहचरी का मन क्या हुआ? प्रियाजू का मन हो गया। अब जो स्फुरित हुआ तो वही स्फुरित हो रहा है ना, उसे पता है, तो शुरू हो गया। प्रियाजू का मन लालजू का मन, लालजू का मन प्रियाजू का मन, प्रियालाल का मन सहचरियों का मन, ये सब एक ही है, एक। अब हमारा मन हमारे आराध्य देव में लीन होकर आराध्य देव में हो गया है, अब वहां दुसरिया कोई बचा ही नहीं, कोई नहीं दुसरिया बचा। जैसे अभी आप भाव में डूबो, कभी एक सेकेंड के लिए ये पूरी भीड़ गायब हो जाएगी, ये बिल्डिंग गायब हो जाएगी, आपके सामने वही होगा जहां आप हो।
आप उस समय देख रहे हैं ऐसा भान ही नहीं होगा, ये तो बाद में समझ में आएगा उस समय मैं देख रहा था, लेकिन उस समय आप देख रहे हैं ऐसा नहीं लगेगा, वो तो केवल डूबा हुआ है, वो तो बाद में बताया जाता है कि वो तो लीला में वो देख रहे थे, लेकिन देखने वाला भी नहीं रहता। अगर इतना ध्यान रहे कि मैं देख रहा हूं तो अभी वो नहीं देखा जो देखना चाहिए, और वो जब देख लेता है तो मैं देख रहा हूं ये भी खत्म हो जाता है, स्थिति होती है। हमारी प्रिया जो सिर्फ हमारी प्रिया हमारे लिए, हमारी प्रिया हमारे लिए है, भाव से बढ़ करके देखो कभी भी ऐसा, जैसे कभी तो ये भाव ना आवे कि इतने बड़े बड़े सब प्रेमी जन रसिक जन है और निकुंज में हम जाएंगे तो क्या होगा। राधा माधव जो राधा माधव शरण है हित धाम में श्री जी के पात्र मार्जन करते थे तो ढेर सारे पात्र, उसने कहा आपने कहा था कि जो यहाँ सेवा करता वही निकुंज में मिलता, तो वहां बर्तन मांजे से इतनी सहचरिया हमारी बर्तन की सेवा हम दिन भर बदला उसी में लगे रहे। भाई पार्थिव चिंतन से चिदानंद चिंतन का अनुभव नहीं किया जा सकता, वो तो वहां पहुंचने पर अनुभव होता है। राधा राधा राधा।